जय हनुमान दोस्तों, इस वीडियो में हम नेट एग्जाम जो 18 दिसंबर 2018 को हुआ था कि हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के आंसर्स देखेंगे और जिन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है उनकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। और ये जो आपका पेपर है वो फोर्थ कमिंग जो आपके नेट एग्जाम्स हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि UPSC के एग्ज़ाम्स, स्टेट PSCs के एग्ज़ाम्स, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली नेट एग्जाम्स के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उन जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आप इस वीडियो को देखिए, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके जो फर्दर जो फोर्थ कमिंग नेट एग्जाम्स हैं और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रफीउद्दीन सिराजी जो ईरान से भारत आया था लिखता है, मैं लोगों की भीड़ के बीच तंबू से बने हुए घेरे में खड़ा हुआ था, तभी एक आवाज़ गूंजने लगी, हे भगवान राजा की रक्षा करें। मैंने अनुमान लगाया कि राजा आ गया है। मैंने देखा 20 साल का एक लड़का अपने प्रिय लोगों की ओर झुका हुआ था। मैंने सोचा कि जरूर राजा होगा, लेकिन लोगों ने उसका अभिवादन और शिष्टाचार नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि यहाँ राजा का आदर करने की कोई परंपरा नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया कि दरबारियों का शिष्टाचार बहुत ज़्यादा है, लेकिन राजा अपने आप को अनौपचारिक मानता है। वह अपने साथियों और अजनबियों के बीच कोई अंतर नहीं समझता। रफीउद्दीन सिराजी ने यह किस राजा के बारे में लिखा है? तो इसका आंसर है अकबर। आपके यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, अकबर, मोहम्मद शाह, रंगीला, जहांदार शाह और जहांगीरों। मैंने आपको पहले बता दिया इसका आंसर है ऑप्शन ए अकबर। रफीउद्दीन सिराजी ने यह अकबर के बारे में लिखा है। सेकंड क्वेश्चन, नीचे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक असर्शन के रूप में है, दूसरा रीजन के रूप में है। हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और नीचे जो कोड दे रखे हैं उनके आधार पर हमें आंसर बताना है। तो असर्शन है, कालाचुरी किंग गंगादेवा वॉज फेमस एज विक्रमादित्य। जो कालाचुरी किंग गंगादेवा था वो विक्रमादित्य के रूप में फेमस था। ही इश्यूड गोल्ड कॉइन्स ऑफ लक्ष्मी टाइप। तो रीजन है कि उसने लक्ष्मी के गोल्ड कॉइन्स इश्यू करे थे। तो देखिए, पहला जो असर्शन है वो ठीक है कि वो विक्रमादित्य के रूप में फेमस था, और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि उसने लक्ष्मी के कॉइन गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे, ये भी ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं है कि गोल्ड कॉइन्स इशू करने के कारण उसे विक्रमादित्य कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, कि दोनों असर्शन और स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन जो क्योंकि गंगादेवा लक्ष्मी के गोल्ड कॉइन्स इश्यू करने के कारण विक्रमादित्य नहीं कहलाया था, बल्कि अपने पराक्रम और जो जीत उसने हासिल की थी उसके कारण वो विक्रमादित्य कहलाया था। थर्ड क्वेश्चन, किसके शासनकाल में अष्ट प्रधानमंडल में दो नई पोजीशंस पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पाना जोड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्रपति राजा राम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वन। तो छत्रपति राजा राम के समय में अष्ट प्रधानमंडल में दो नई पोजीशन जोड़ी गई थी, और वो पोजीशंस आपकी कौन सी थी जो जोड़ी गई थी? वो थी आपकी पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पाना। क्वेश्चन फोर, इनमें से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पांचवा वेद माना गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका छंदोग्य उपनिषद। तो छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पांचवा वेद माना गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि इनमें से किसमें तुगलक वाटर का प्रयोग अंतिम उदाहरण है, यानी तुगलक वाटर का प्रयोग लास्ट टाइम किसमें किया गया था, ठीक है। तुगलक वाटर का मतलब होता है टेढ़ी दीवारें, तो टेढ़ी दीवारों का प्रयोग किसमें अंतिम बार किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन से हमारे आदम खान स्टॉर्म, ईसा खान स्टॉर्म, शेरशाह मॉज़ोलियम, हसन खान स्टॉर्म,
सो आंसर है हमारा ईसा खां की टोम में तुगलक बाटर का प्रयोग किया गया था, टेढ़ी दीवारों का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, फाउंडर्स और उनकी कैपिटल सिटीज के पेयर्स इसमें दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा पेयर इसमें रॉन्गली मैच्ड है। तो जो पहला पेयर है वही रॉन्गली मैच्ड है, क्योंकि महोदया पहले कन्नौज का नाम था और कन्नौज जो है कन्याकुब्जा का आधुनिक नाम है, और कन्नौज जो है गैदवाला किंग की कैपिटल सिटी थी, ना कि महेंद्रपाला की। और गैदवाला डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था चंद्रदेवा। ठीक है, तो पहला जो पेयर है वो रॉन्गली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये बताना है कि 1121 का एक इंस्क्रिप्शन ये रिफर कर रहा है, ये उल्लेख कर रहा है कि एक मेडिकल कॉलेज बागवट के अष्टंग हृदय और चरक संहिता को पढ़ा रहा था। तो ये कॉलेज ये सॉरी मेडिकल स्कूल कहाँ पर था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका तिरुवदुतुरई। ठीक है, तो तिरुवदुतुरई में एक मेडिकल स्कूल था जो बागवट के अष्टंग हृदय और चरक संहिता को पढ़ा रहा था, ऐसी इन्फॉर्मेशन 1121 के इंस्क्रिप्शन में मिली है। क्वेश्चन नंबर 8, गोविंद चंद्र गहदवाला की रानी कुमार देवी ने एक बुद्धिस्ट विहार कंस्ट्रक्ट करवाया था, बनवाया था, वो कहाँ बनवाया था? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, सारनाथ। तो कुमार देवी ने जो बुद्धिस्ट विहार बनवाया था वो कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेदा के नदी स्तुति सूक्ता से हमें सरस्वती रिवर का उल्लेख मिलता है, तो हमें बताना है कि ये जो रिवर है वो प्रेजेंट में उसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका यमुना एंड सतुद्री या सतुद्री के बीच में सरस्वती रिवर थी पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के दरबार का कौन सा पेंटर पालकी उठाने वाला या कहार का दासवंत? ठीक है, तो जो दासवंत था, तो अकबर जो दासवंत अकबर के दरबार का जो पेंटर दासवंत था वो पालकी उठाने वाले का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 11, तो पेंटिंग्स का जो कांगड़ स्कूल था उसकी प्रमुख थीम्स क्या थी? कृष्ण राधा शिव पार्वती नायक वेद और सर्ण योगा एंड वियोगा। तो ये जो सारी थीम्स थी वो प्रमुख थीम थी पेंटिंग्स के कांगड़ा स्कूल की। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 कि ये सारी जो थीम्स थी वो कांगड़ा स्कूल की प्रमुख थीम थी। ठीक है, क्वेश्चन 12, कौन सा उपनिषद यज्ञवल्क्य और मैत्री के बीच जो फिलोसफिकल डायलॉग हुए थे उनका उल्लेख करता है, उनको दर्शाता है? बृहदारण्यक, छंदोग्य, कौशीताकी या श्वेतासुतर? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो यज्ञवल्क और मैत्री के बीच जो फिलोसफिकल डायलॉग हुए थे उसको दर्शाता है। क्वेश्चन 13, अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इनमें से कौन सा ऐसा रीजन था जिस पर दो राजा शासन कर रहे थे और उसकी एक काउंसिल थी, एल्डर्स की एक काउंसिल थी, इस रीजन की एल्डर्स की एक काउंसिल थी और जिस पर दो राजा शासन कर रहे थे? तो आंसर है पट्टल, यानी पट्टल ऐसा रीजन था जिस पर दो राजा शासन कर रहे थे और इसकी एक काउंसिल थी एल्डर्स की जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 14, दो स्टेटमेंट्स एसर्शन और रीजन के रूप में दे रखे हैं, हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, फिर जो कोट्स दे रखे हैं उनके आधार पर हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो एसर्शन ये दे रखा है गौतम बुद्ध बिलीव्ड इन रीवर्थ, और रीजन दे रखा है ही डिड नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट सोल। ठीक है, सोल, तो एसर्शन जो ये दे रखा है गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म में
गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास था, बिल्कुल ठीक है ये कि गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कि इंसान जब तक अपने बुरे कर्मों से छुटकारा नहीं पा लेगा तब तक उसका बार बार जन्म होता रहेगा। जिस दिन वो इन बुरे कर्मों से छुटकारा पा लेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, तब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और दूसरे और जो रीज़न दे रखा, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट सोल, कि गौतम बुद्ध परमानेंट सोल की हमेशा के लिए जो सोल हमारी है, सोल है वो बनी रहेगी, इसमें इसको स्वीकार नहीं करते थे, ये भी ठीक है। लेकिन ये कहना कि परमानेंट सोल को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसके कारण वो रीबर्थ पर विश्वास करते थे, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो दोनों ठीक हैं, लेकिन जो रीज़न है कि परमानेंट सोल के परमानेंट सोल को ना मानने के कारण वो रीबर्थ पर विश्वास करते थे, ये गलत होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, जो बुक है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, उसमें ये उल्लेख किया गया है कि दक्षिणा पथ में इनलैंड मार्केट्स थे, तो जो इनलैंड मार्केट्स थे वो कौन सी जगह पर थे, ठीक है। तो नासिक एंड जुनार में थे, कल्याण एंड कनेरी में थे, अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा में थे, प्रतिष्ठान एंड टागर में थे। आई थिंक मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता इसका, टागर या टगार है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा प्रतिस्थान एंड टागर। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी बुक में जो दक्षिणा पथ में इनलैंड मार्केट उल्लेख किए गए हैं, तो वो कहाँ पर थे, प्रतिस्थान और टागर में। क्वेश्चन 16, अकबर के शासनकाल के दौरान वतन जागीर की शुरुआत हुई थी, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन वतन जागीर के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि ये जो वतन जागीर था, जागीर थी वो परमानेंट थी और ये वंशानुगत थी। दूसरा ऑप्शन है कि वतन जागीर को देने वाला अगर दोषी पाया जाता था तो उसको सजा देने के लिए उससे वतन जागीर को छीना जा सकता था। तीसरा ऑप्शन है कि अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नई वतन जागीर का निर्माण हो सकता था। और चौथा ऑप्शन है कि वतन जागीर से जो प्राप्त रकम थी उसका कुछ भाग इनाम में भी दिया जा सकता था, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन है वो ठीक हैं कि यह परमानेंट थी और वंशानुगत थी और देने वाला ठीक है, या वतन जागीर को लेने वाला अगर दोषी पाया जाता था तो उससे सजा के रूप में से छीना भी जा सकता था। ऑप्शन थ्री कि अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नई वतन जागीर का निर्माण किया जा सकता था और वतन जागीर की रकम का कुछ भाग इनाम में भी दिया जा सकता था, ठीक है। तो ये चारों ठीक हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड कि चारों ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है कि वल्लभाचार्य आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे और वो बनारस में रहने लगे थे। दूसरा ऑप्शन है कि वल्लभाचार्य ने ब्रह्म संभव मंत्र के साथ दामोदर दास की शुरुआत की थी। तीसरा जो ऑप्शन है कि वल्लभा संप्रदाय में गुरु की जो गद्दी थी उनके वंशज थे, उनके लिए रिजर्व रहती थी और उनके कोई भी शिष्य ये उन्हें उनके कोई किसी भी शिष्य को ये अधिकार नहीं था कि वे दूसरे किसी शिष्य को ये मतलब गुरु की उपाधि दे सकें। और ऑप्शन फोर्थ वाला जो दे रखा है वो है कि वल्लभाचार्य के अनुसार पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ब्रह्मा के नेचर को प्रतिपादित करने के दो अलग रास्ते थे और जो ट्रू शास्त्र है, जो ट्रू शास्त्र है वो है गीता, गीता जो ट्रू शास्त्र है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ठीक है, तो ये जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं ये चारों ठीक हैं, ठीक है। पहला भी ठीक है कि वल्लभाचार्य जो आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे और वो बनारस में रहने लगे थे। दूसरा भी ठीक है कि वल्लभाचार्य ने ब्रह्म संभव मंत्र के साथ दामोदर दास की शुरुआत की थी सबसे पहले। और तीसरा जो ऑप्शन है वो भी ठीक है कि वल्लभा संप्रदाय में जो गुरु की गद्दी थी उनके जो वंशज थे उनके लिए थी और उनके कोई भी शिष्य को ये अधिकार नहीं था कि वो किसी दूसरे को
गुरु की उपाधि दे सकें, और जो चौथा ऑप्शन है कि बल्लभाचार्य के अनुसार पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ब्रह्म के नेचर को प्रतिपादित करने के दो अलग तरीके हैं, दो रास्ते हैं, और जो ट्रू शास्त्र है वो है गीता। ठीक है, तो ये चारों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ठीक हैं। क्वेश्चन 18, जो कैथेना सेरेमनी थी, बुद्ध संघ की जो कैथेना सेरेमनी थी वो किससे संबंधित थी? ऑप्शन वन, इसमें भोजन का वितरण किया जाता था। ऑप्शन टू, इसमें रोप्स का वितरण किया जाता था। ऑप्शन थ्री, इसमें दवाइयों का वितरण किया जाता था, मेडिसिंस का वितरण किया जाता था। नंबर चार, इसमें जो पूजा करने के ऑब्जेक्ट्स थे उनका वितरण किया जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन टू। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन टू कि कैथेना जो सेरेमनी थी इसमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था वो रोप्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो गली में पहनते हैं रोप्स, तो रोप्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये किया जाता था, मतलब कमर में डालते हैं रोप्स, वो उसका वितरण किया जाता था। क्वेश्चन 19, अभिनव गुप्ता कौन से स्कूल का प्रसिद्ध आचार्य था? ठीक है, तो आंसर है हमारा प्रत्यविज्ञा स्कूल का फेमस आचार्य था। क्वेश्चन 20, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल रूलर्स हुए थे तो उन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए थे बहादुर शाह फर्स्ट पहले, तो ये पहले हुए थे। इसके बाद जहांदार शाह दूसरे नंबर पर, इसके बाद फर्रुख सियर, एंड इसके बाद रफ़ीउद दराजत। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर, पहले बहादुर शाह फर्स्ट। क्वेश्चन 21, लिस्ट फर्स्ट में रेवेन्यू टर्म दे रखी हैं और लिस्ट सेकंड में मॉडर्न कॉनोटेशंस दे रखे हैं, हमें इन्हें मैच करना है, और इसके बाद जो कोट्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर चूज करना है। ठीक है, तो देखिए, जो देखिए यहाँ पर जो ए अखल है वो अखल मैच होगा वो बैरन लैंड से, तो ए का हो जाएगा फोर्थ वाला। इसके बाद बदोनावुत जो होगा मैच वो होगा कल्टीवेटेड एंड अनकल्टीवेटेड लैंड से, तो ए अखल मैच होगा बैरन लैंड से, और बी बदोनावुत मैच होगा सेकंड वाले कल्टीवेटेड एंड अनकल्टीवेटेड लैंड से। इसके बाद जो इदारत है वो हो जाएगी हमारी, इदारत जो रेवेन्यू टर्म में वो हो जाएगी स्टीपेंड्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स, या कह सकते हैं वजीफा जो कि टैक्स फ्री लैंड भूमि अनुदान, सॉरी टैक्स फ्री भूमि अनुदान से अलग जो वेतन था उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इदारत जो हो जाएगा हमारे सेकंड वाले से मैच, और इसके बाद रह गया इमलाक, तो इमलाक हो जाएगा टैक्स फ्री लैंड्स हेल्ड बाई ग्रांट फ्रॉम द किंग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए का फर्स्ट और ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। क्वेश्चन 22, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं एसर्सन और रीजन के रूप में, और हमें जो कोड दे रखे हैं कोड के अकॉर्डिंग उनका आंसर बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए, एसर्सन दे रखा है कि नंदेसी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थे, उन्होंने दावा किया कि वो कई कंट्रियों में घूमे थे, और रीजन दे रखा है कि सुमात्रा में लोबुतवा नामक स्थान से 11वीं सेंचुरी का जो तमिल इंस्क्रिप्शन है इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो असर्शन और रीजन है वो ठीक हैं, और ये भी ठीक है कि जो 11वीं शताब्दी का इंस्क्रिप्शन है जो सुमात्रा के लोबुतवा में पाया गया उसी के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है कि नंदेसी जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थे वो कई कंट्रियों में घूमे थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा दोनों ही ठीक हैं, और जो रीजन है वो एसर्सन का बिल्कुल ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23, परमार्था चाइना में 20 साल से ज़्यादा तक रुका और उसने 70 बुद्धिस्ट टेक्स को चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेटेड किया, तो वो कहाँ से था? ठीक है, नालंदा से था, कांची से था, उज्जैन से था या फिर वाराणसी से था? तो आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन। ठीक है, तो परमार्था जो उज्जैन से था, उज्जैन को बिलोंग करता था, वो चाइना में 20 साल से ज़्यादा तक रुका और उसने 70 बुद्धिस्ट टेक्स को चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट किया। क्वेश्चन 24, यहाँ पर एसेसन और रीजन दे रखा है और हमें कोड के आधार पर बताना है कि कौन सा ठीक है। ठीक है, तो असरसन ए दे रखा है कि मनुक्की लिखता है कि अगर आप सूरत पहुंचते हैं और विजिट अपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारा धन मिलेगा, क्योंकि जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन लोग थे, वो अपने पैसे का प्रयोग जो फिरंगी कंट्रीज़ थी, फ्रांस, इंग्लैंड और इटली की, उनमें सट्टे के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, ये एसर्शन है हमारा। रीजन कि जो नोबल्स थे वो भारत के कुल ट्रेड का कुछ ही भाग, ठीक है, भारत के ट्रेड के कुछ ही भाग में उनकी हिस्सेदारी थी और इसके लिए जो मनी प्राप्त होती थी वो एग्रीकल्चर की जो मनी थी उसका कुछ भाग वो प्रयोग करते थे। ठीक है, और जो ट्रेड करते थे वो कुलीन वर्ग जो ट्रेड करते थे वो डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड करते थे। ठीक है, तो रीजन आर हमारा क्या है कि जो कुलीन वर्ग थे भारत के कुल ट्रेड का कुछ ही भाग वो ट्रेड किया करते थे और इसके लिए वो मनी जो प्राप्त करते थे वो एग्रीकल्चर का कुछ ही भाग होता था और ये ट्रेड वो डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड के रूप में करते थे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो देखिए, पहला वाला तो गलत है कि जो कुलीन वर्ग थे अपनी मनी का प्रयोग सट्टे के लिए करते थे, वो सट्टे के लिए नहीं किया करते थे। और दूसरा जो रीजन है वो ठीक है कि जो कुलीन वर्ग थे जो कुल ट्रेड का उसका कुछ भाग वो भी ट्रेड किया करते थे और इसके लिए जो मनी आती थी वो एग्रीकल्चर का कुछ भाग होती थी, एग्रीकल्चर से प्राप्त मनी का कुछ भाग होती थी और वो जो ट्रेड करते थे वो डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड के रूप में करते थे। ठीक है, तो पहला गलत है, एसर्शन एक गलत है और रीजन आर ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, राइट। क्वेश्चन 25, इनमें से किसे, ठीक है, इनमें से कौन खुद को कलिकाल वाल्मीकि कहता था? ठीक है, इनमें से कौन सा पोइट खुद को कलिकाल वाल्मीकि कहता था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, संध्याकर नंदी खुद को कलिकाल वाल्मीकि कहता था। क्वेश्चन 26, इनमें से ऐसा कौन सा राजा था जिसने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल को फिर से बनवाया जब मोहम्मद खलजी ने उसे तबाह कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा आंसर ऑप्शन 1, कुमरपाल ने गुजरात के टेम्पल को फिर से कंस्ट्रक्ट कराया जब मोहम्मद खलजी ने उसे तबाह कर दिया। क्वेश्चन 27, इनमें से कौन सी हरप्पन साइट पर कैमल की बोन्स प्राप्त हुई हैं, ऊँट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? तो आंसर है हमारा ऑप्शन 1, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 28, टू स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक असरसन के रूप में है, दूसरा रीजन के रूप में, हमें इन्हें पढ़ना है, फिर उसके बाद जो कोड दे रखे हैं उनके आधार पर हमें आंसर बताना है। ठीक है, असरसन ए, गिलोम एडम ने अपनी इस सोच के साथ लैटिन क्रिश्चियन और इखलानिद पर्सिया और इखलानिद ईरान के बीच गठबंधन का समर्थन किया कि मामलुक इजिप्ट दोनों का ही समान दुश्मन होगा। रीजन है कि लाल सागर से होते हुए मिस्र के साथ भारतीय व्यापार की नाकाबंदी के लिए नौसैनिक अवरोध एक अच्छा विजन और प्लान था, लेकिन इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका, लेकिन इसे अंजाम नहीं दिया जा सका, किंतु लगभग 2 सेंचुरी बाद पुर्तगालियों ने इसे अंजाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर असरसन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है,
और ये भी बात ठीक है कि अगर मिस और भारत के साथ जो लाल सागर से होकर व्यापार था, अगर नौसेना अवरुद्ध कर दिया जाए तो वो व्यापार रुक जाएगा और इससे जो मामलुक इजिप्ट है उसे, ठीक है, लॉस होगा। तो दोनों ही ठीक है, असरसन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये करेक्ट रीजन है उस असरसन का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब असरसन ठीक है, रीजन ठीक है, और रीजन जो है उसे सेटिस्फाई करता है असरसन के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ये नहीं होगा, ये गलत लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इस सम्राट ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि वो व्यापारियों और यात्रियों को क्षति ना पहुंचाएं, और यदि किसी व्यापारी की दुर्घटना में बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति को ना हड़पें, और यह भी आदेश दिया कि अधिकारी व्यापारियों से सामान बाजार मूल्य पर ही खरीदें। तो ये कौन सा सम्राट, ना सम्राट था जिसने ऐसा आदेश दिया, ठीक है। तो आंसर है इसका शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी ने आदेश दिया था ये। क्वेश्चन 30, इन पेयर्स में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ठीक है कि पहला जो ऑप्शन है वो ठीक है कि जो मेगुती टेम्पल है वहाँ पर एहोल इंस्क्रिप्शन की प्राप्ति हुई है, और जो एहोल इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसकी स्क्रिप्ट कन्नड़ है, और इसे रवि कीर्ति ने, इस इंस्क्रिप्शन को रवि कीर्ति ने बनवाया था या लिखा था, और इसे इसमें उसने पुलकेशिन सेकंड के बारे में बताया है, और रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड का कोर्ट पोइट था, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ठीक है, ऑप्शन टू, तो ऑप्शन टू भी ठीक है कि जो मल्लिकार्जुन टेम्पल है, मल्लिकार्जुन टेम्पल पत्तादिकल में है, और इससे पहले त्रिलोक्य महादेवी के सम्मान में त्रिलोकेश्वर टेम्पल भी कहा जाता था, और पत्तादिकल में एक और विरूपाक्ष नाम का टेम्पल है, तो वो भी बिल्कुल मल्लिकार्जुन टेम्पल की तरह ही है, और विरूपाक्ष टेम्पल और मल्लिकार्जुन टेम्पल दोनों को बनवाने का जो उद्देश्य था वो भी एक ही था। तो सेकंड वाला ठीक है, ऑप्शन जो थ्री है यहाँ पर वो रॉन्ग है, क्योंकि जो लक्ष्मण टेम्पल है वो बासठा ने बनवाया था, और उसे अपने पति की मेमोरी में बनवाया था, पति की याद में बनवाया था, हर्ष गुप्ता, ठीक है। तो उसका जो पति था हर्ष गुप्ता, उसकी मेमोरी में बासठा ने ये टेम्पल बनवाया था, और जो महिष शिव गुप्ता था, महिष शिव गुप्ता की ये बासठा माता थी, और महिष शिव गुप्ता ने 6th सेंचुरी में शासन किया था, और ये जो मंदिर है वो ईंटों का बना हुआ है और लॉर्ड विष्णु को ये समर्पित है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर जो है वो भी ठीक है कि कांची में जो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है, ठीक है, उसमें एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है जो पल्लव किंग नंदीवर्मन सेकंड के बारे में बताता है। नंदीवर्मन सेकंड को पल्लवमल भी कहा जाता था, और इसमें लिखा है कि नंदीवर्मन सेकंड ने श्री वैष्णव कम्युनिटी के वैदिक ब्राह्मण को भूमि दान में दी थी, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन तीन को छोड़कर सारे जो ऑप्शन से वो ठीक हैं, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा ये थर्ड वाला होगा कि ये रॉन्ग है। क्वेश्चन 31, जब राजस्थान की एक रियासत का चारण मुगल एम्परर के पास गया और उसने उस राजा के द्वारा जो उस पर अत्याचार किए गए थे, उसे राजा जो अत्याचार किए गए थे उसे जब एम्परर को बताया तो एम्परर ने उसकी शिकायत को अनदेखा कर दिया यह कहकर कि वो मोटा राजा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो राजा कौन सा था, उसकी रियासत कौन सी थी, और मुगल एम्परर कौन था जिसने उसकी शिकायत को अनदेखा कर दिया यह कहकर कि वो राजा मोटा है, ठीक है, वह राजा, वह मोटा राजा है। तो इसमें से हमें आंसर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सेकेंड, वो राजा था उदय सिंह,
और उसकी रियासत थी जोधपुर की, ठीक है। और जो एम्परर था जिसने कि जो चारण आया था राजा की शिकायत लेकर, उसको अनदेखा कर दिया, ठीक है, वो एम्परर था यहाँ पर अकबर, ठीक है। वो एम्परर कौन था? अकबर। क्वेश्चन 32, इनमें से कौन सा ऋग्वेदा का सबसे ओल्डेस्ट कमेंटेटर या सबसे पुराना कमेंटेटर है, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, स्कंद स्वामी, माधव भट्ट, वेंकट माधव और सयाना। तो आंसर होगा हमारा इसमें स्कंद स्वामी। तो स्कंद स्वामी है वो, जो स्कंद स्वामी है वो ऋग्वेदा का ओल्डेस्ट कमेंटेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, श्रावस्ती में मखली घोसाल अक्सर हाला हाला की कार्यशाला पर ठहरते थे, तो जो लेडी थी हाला 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 वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, ठीक है। आयरन, वो आयरन स्मिथ थी मींस वो लोहार थी, पोटर्स मींस वो कुमार थी, गोल्ड स्मिथ मींस वो स्वर्णकार थी, या फिर कारपेंटर मींस वो बड़ी थी। तो इसका आंसर होगा वो पोटर्स थी। वो लेडी कौन थी? वो थी पोटर्स। क्वेश्चन 34, जो पेयर्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिणापथ रूलर दे रखे हैं, उनकी किंगडम, और इन्हें मैच करना है। तो जो पहला वाला है वो ठीक है, हस्तिनावर्मन की जो किंगडम थी वो बेंगी थी। सेकंड वाला भी ठीक है कि दमन की जो किंगडम था वो एरंदपल, और थर्ड वाला कि नील राजा की जो किंगडम था वो अवमुक्त था। लेकिन फोर्थ वाला ठीक नहीं है कि मंत्र राजा का जो किंगडम था वो पलक का नहीं बल्कि केरल और कोरल, जिसे केरल कोरल दोनों के नाम से जाना जाता था, तो उसका जो किंगडम था वो कोरल था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो फोर्थ वाला है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 34, साजा ने करोड़ी और अमीन के ऑफिस को अलग कर दिया, तो करोड़ी के लिए कितने परसेंट शेयर साजा के पीरियड में फिक्स करी गई थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। तो करोड़ी के लिए जो शेयर फिक्स करी गई थी वो 8% से घटाकर 5% कर दी गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑथर्स एंड देयर वर्क इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे ऑथर और उनके वर्क दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा इसमें पेयर जो करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें जो तारीख़ सही थी वो अहमद यादगार के द्वारा लिखी गई थी, ना कि हसम निजामी के द्वारा। तो बाकी सारे करेक्टली मैच है कि जियाउद्दीन बरनी के द्वारा फतवाई जहाँदारी, और आमिर खुसरो के द्वारा हस्तबिस्त, और मिनहाज उस सिराज के द्वारा तबकाते नासरी। लेकिन पहले वाले जो ऑप्शन में तारीख़ सही वो लिखी गई थी अहमद यादगार के द्वारा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से किस मुगल एम्परर ने अपनी फोस्टर कम्युनिटी के साथ अपने संबंध को दर्शाने के लिए यह वाक्य बोला है कि मेरे और अजीज के बीच में दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन 4, अकबर। अकबर ने ये बोला था कि मेरे और अजीज के बीच में दूध की नदी है जिसे मैं क्रॉस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 38, जो नीचे रचनाएं दे रखी हैं इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसमें कि एंशियंट इंडियन कोर्ट या प्राचीन भारतीय न्यायालय की झलक मिलती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन 4। तो मिर्च कटिका में प्राचीन भारतीय न्यायालय की झलक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39, दो इस खां के परिवार की सेमी डिवाइन ओरिजिन और अर्ध दैवी मूल और उसकी सफलता और उसके कैरियर ने उसके खानदान को प्रेरणा और रौब की एक वस्तु बना दिया था, और इसकी संप्रभुता को उसने 16वीं सेंचुरी तक बनाए रखा। रीजन आर चंगेज खां के वंश का सम्मोहन कुछ ऐसा था कि तिमूर को भी उचित लगा कि उसके वंशज के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाए, और वह
अमीर और बेग के एक विनम्र मतलब एक छोटे से टाइटल से संतुष्ट रहा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए एंड बी बोथ आर राइट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और ये जो रीजन है इसको सही सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 40, शेख बयाजिद के स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम से जाना गया, तो हमें बताना है कि इनमें से इन पेयर्स में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि जो नूर वक्सिया था वो ईरान में था ना कि इजिप्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिगार्ड टू द ग्रांट्स टू द वुमेन, तो महिलाओं के लिए जो अनुदान दी गई थी उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है कि अबुल फजल ने तुरानी और ईरानी महिलाओं के लिए जो अनुदान दिया गया था उसके बारे में बताया है। दूसरा ऑप्शन है कि जहांगीर ने अपने पिता की धाय सिस्टर और फोस्टर सिस्टर को महिलाओं को अनुदान देने वाली स्पेशल ऑफिशियल इंचार्ज बनाया। ऑप्शन 3 है कि महजर ए शाहजही में आयमा चक की दो कैटेगरीज मिलती हैं या दर्शाई गई हैं, पहली है चक हा ए मुसम्मती और दूसरी है मुजक्कराती। तो मुजक्कराती जो है पुरुषों के लिए दिया गया लैंड था और मुसम्मती जो है महिलाओं के लिए दिया गया लैंड था। ऑप्शन 4, औरंगजेब ने मदद ए मास के बारे में 1690 में एक फरमान जारी किया जिसके अनुसार पुत्री अगर उसकी शादी हो जाती है या उसके पास दूसरा कोई प्रावधान है तो उसे मदद ओ मास से वंचित कर दिया जाएगा। डिप्राइव्ड डॉटर ऑफ मतलब जो उसका शेयर है उससे उसे वंचित कर दिया जाएगा। और इसमें यह भी लिखा था कि जो विधवा महिला है वो अपने पति को जो अनुदान मिला हुआ है वो अपने पूरे जीवन काल के लिए रख सकती है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसे। औरंगजेब ने 1690 में मदद से मास के बारे में एक फरमान जारी किया जिसमें लिखा था कि पुत्री को उसकी जो हिस्सेदारी है उससे वंचित कर दिया जाएगा अगर उसकी शादी हो जाती है या उसके पास दूसरे कोई प्रावधान प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें यह भी लिखा था कि जो विधवा है जिसके पास जो विधवा है वह अपने पति के अनुदान को अपनी पूरी जिंदगी रख सकती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो इसके सारे जो ऑप्शन हैं वो ठीक हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस जो दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दो स्टेटमेंट असर्शन ए और रीजन आर के रूप में दे रखे हैं, हमें इन्हें पढ़ना है फिर कोर्ट्स के आधार पर हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो असर्शन है हमारा कि दक्षिण और उत्तर भारत में दासप्रथा लंबे समय से बनी हुई थी और रीजन है लेखपत्ति में ये उल्लेख मिलता है कि सैन्य अभियानों के द्वारा बंदी बनाए गए लोगों को और स्वतंत्र लोगों को जो दरिद्र थे और अभावग्रस्त थे को दास नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, तो इसका जो आंसर तो देखिए असर्शन ए ठीक है और जो रीजन है वो गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए इज ट्रू, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो जो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 का असर्शन है कि 14वीं शताब्दी का मध्य प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल और मावर की स्वतंत्रता और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना का साक्षी था। रीजन है कि अपने अंतिम शासन में मोहम्मद तुगलक क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गया था, सॉफ्ट हो गया था और उन्होंने और उसने उन्हें अधिक स्वायत्तता अधिक ऑटोनॉमी प्रदान की। तो इसका असर्शन ठीक है, ये ठीक है क्योंकि 14वीं शताब्दी के मध्य हमें
बंगाल और मावर की स्वतंत्रता देखने को मिलती है, और विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य उसकी स्थापना भी देखने को मिलती है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। ठीक है, ये क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम नहीं हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हमारा इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दे रखी है। लिस्ट फर्स्ट में राइटर है, सेकंड वाली में पैटर्न किंग है, और हमें बताना है कि जो इनको मतलब इन्हें मैच करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखिए, आप ये बहुत आसानी से कर लेंगे, ईजिली कर सकेंगे। तो पहला देखिए जो ट्रिक है कि हेमा चंदा कुंवारी है, तो हेमा चंदा कुंवारी है तो हेमा से हो जाएगा हेमचंद्र, कुंवारी से हो जाएगा कुंवरपाल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो गया सेकंड वाले से मैच। और दूसरी ट्रिक है जयदेव बोलने का लक्ष्य बनाओ, तो बी वाला किससे मैच हो जाएगा, जयदेव बोलने का, तो जयदेव रिफर कर रहा है जयदेव के लिए, लक्ष्य बनाओ लक्ष्मण सेना के लिए, तो बी वाले का हो जाएगा थर्ड। और तीसरी ट्रिक है क्षमा कर दूँ अनंत काल तक, तो क्षमा कर दूँ अनंत काल तक, तो ये हो जाएगा आपका सी वाला, क्षमा से हो जाएगा छिमेंद्र और अनंत काल तक, ये हो जाएगा ऑप्शन वन। ठीक है, और जो लास्ट वाली ट्रिक है राज सिंहासन पर मेहंदी लगी है, तो राज सिंहासन से राजशेखर और मेहंदी लगी है महेंद्र पाल। ठीक है, तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ए सेकंड, ठीक है, ए सेकंड, बी थर्ड और सी फर्स्ट और डी फोर्थ। तो ये वाला ए सेकंड, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ए सेकंड, तो ए सेकंड वाला ये दे रखा है, ए सेकंड, बी थर्ड, बी सी फर्स्ट। सो आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन ए। ठीक है, मैं इसमें फिर से मैच कर दे रहा हूँ, देखिए हेमा चंदा कुमारी है, जयदेव बोलने का लक्ष्य बनाओ, क्षमा कर दो अनंत काल तक, और राज सिंहासन पर मेहंदी लगी है। क्वेश्चन नंबर 45, वह कौन सा लोदी सुल्तान था, जब वह अपने कपड़े बदलता था तो जो कपड़े बदलता था और जो बिझावन होती थी उसे वो बेच देता था, और बेचने के बाद जो मनी प्राप्त होती थी वो उसे जो अनाथ लड़कियां थी उनकी डोरी के रूप में दे दिया करता था, तो वो राजा कौन सा था, तो वो राजा था सिकंदर लोदी। ठीक है, वो राजा कौन सा था, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 46, हमें इसमें बताना है कि उत्तर भारत के किस मंदिर में द्रविड़ियन टाइप का शिखर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज ए शिखर ऑफ द्रविड़ियन टाइप। ठीक है, तो उत्तर भारत के किस मंदिर में द्रविड़ियन टाइप का शिखर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थ्री, आंसर लिखा है नीचे। ठीक है, तो तेली का मंदिर है ग्वालियर का, उसमें दक्षिण टाइप का शिखर है, शिखर मतलब जो ऊपर होते हैं वो मंदिरों के ऊपर जो, ठीक है, टॉप वाला पॉइंट होता है वो शिखर। क्वेश्चन नंबर 47, मौलाना कबीर जो सुल्तान के संरक्षक थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो हेरात चले गए, लेकिन सुल्तान ने उन्हें बुला लिया और उन्हें शेखुल इस्लाम, ठीक है, शेखुल इस्लाम की उपाधि दी एंड मेड हिम, मतलब उन्हें शेखुल इस्लाम बना दिया, बुलाने के बाद उन्हें शेखुल इस्लाम बना लिया। तो हमें उस कश्मीर के शासक को पहचानना कि वो कौन सा शासक था जिसने अपने शिक्षक को सम्मान दिया, तो कौन के बाद उन्हें शेखुल इस्लाम बनाया, तो वो सुल्तान था सुल्तान जैन उल आबदीन। ठीक है, वो सुल्तान कौन था, कश्मीर का सुल्तान था जैन उल आबदीन। क्वेश्चन नंबर 48, अलीवल खां निम्न में से किस भवन का वास्तुकार था। ठीक है, तो अलीवल खां हसन का सूर के मौजलियम और शेर शाह के मौजलियम का वास्तुकार था। ठीक है, तो इस ये वास्तुकार था हसन का सूर के मौजलियम का और शेर शाह सूरी के मौजलियम का। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, वन कैमिल गोज फॉर ए पैनी, कि एक कैमिल या एक ऊंट एक पैनी का मिलता है जिसे डांग भी बोलते हैं, लेकिन पैनी है किसके पास,
तो इस स्टेटमेंट को जियाउद्दीन बरनी ने किस शासक की स्थिति, किस शासक के शासन की स्थिति को या शासन की दशा को बताया है? ठीक है, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो जियाउद्दीन बरनी ने अलाउद्दीन खिलजी के शासन की स्थिति को इस स्टेटमेंट के द्वारा बताया। स्टेटमेंट क्या था कि एक क्या मिल, एक पैनी का मिलता है, एक डांग का मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है उस शासनकाल में, पैसा किसके। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी मेसोलिथिक साइट्स हैं, मध्य पाषाणिक स्थल हैं जहां से काफ़ी लंबाई वाले स्केलेटन्स के साथ बैरियल्स प्राप्त हुए हैं या काफ़ी लंबी अस्थि पंजरों के साथ समाधान प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है वो है, वो साइट्स हैं महादहा और सराय नहर राय। तो महादहा और सराय नहर राय की ऐसे स्थल हैं जहाँ से काफ़ी लंबाई वाले अस्थि पंजरों के साथ समाधान प्राप्त हुए हैं। तो ये नेट एग्ज़ाम की हिस्ट्री पेपर का पार्ट वन है और कुछ ही दिनों में पार्ट टू भी डाल दूंगा, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और आप पार्ट टू भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। Thanks for watching. Bye bye. See you soon in the next video.